हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे हमारी यूनिट 9, पीपल एंड एनवायरनमेंट। ओके, सो एक बार इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या है। देखो, पहले क्या होता था, 3-4 टॉपिक्स होते थे, वही घुमा फिरा करके दे दिए जाते थे, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, वहीं से ही टॉपिक्स आ जाते थे। बट अब क्या है, सिलेबस पूरा चेंज हो गया। और हम देखें तो यूपीएससी का सिलेबस है इस टाइम पे हमारा, जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का यूपीएससी का सिलेबस है, सेम सिलेबस हमारा एनटीए नेट के अंदर है। तो काफ़ी वाइड सिलेबस है। अगर मैं इसको कराने लगूँ ना डीपली, तो समझो कि आप एक साल लग जाएगा इसको पढ़ाने पढ़ाने में। बट हम क्या करेंगे, कुछ एक टॉपिक्स जो भी मेन टॉपिक्स हैं, मतलब सिलेबस तो पूरा ही कंप्लीट करेंगे, बट हम इतना डीपली नहीं कर सकते। आप समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर के आपको जो भी क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो जो भी मुझे ऐसे लग रहा है ना थोड़ा हटके हैं या मेरे नोट्स में नहीं होगा, उसके डिस्क्रिप्शन साथ साथ में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में दी हुई है। तो आपने क्या करना है, उनको ज़रूर रीड आउट करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, और उनको आपने डीपली पढ़ना है, ठीक है। और आपको भी कहीं से कुछ भी ऐसा लगता है तो आप गूगल से सर्च करें, नहीं तो आप मुझे कहें कि मुझे ये टॉपिक या ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपको पर्सनली भी बताऊंगी। तो आप बट आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ज़्यादा जोर देना ही देना है, ठीक है। सो एक बार सिलेबस देख लेते हैं क्या है। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जहाँ से क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन हो गया, जैसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट हो गया। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जैसे हमारे लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वेस्ट एक्सेट्रा हो गए, जैसे हमारी सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हाजार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक, क्लाइमेट चेंज एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन हो गया। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, नेचुरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जैसे सोलर, विंड, सॉयल, हाइड्रोथर्म, जियोथर्मल, बायोमास एंड न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, नेचुरल हजार्ड्स हो गए, एंड डिज़ास्टर जो मिटिगेशन स्ट्रेटजी है हमारी, 8 ये स्ट्रेटजी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा जगह एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारा। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो गए, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, फिर रियो समिट आई, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ, या इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इंडिया का। तो इन सबको हम वन बाय वन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें आज हम जो वीडियो में करने वाले हैं वो है एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन, कि है क्या ये चीज़, ठीक है। देखो, एनवायरनमेंट क्या है, एक नेचुरल कंपोनेंट है इन विच द बायोटिक यानी कि लिविंग और अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग जो फैक्टर हैं वो एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं, और देर दीज इंस्ट्रक्शंस शेप द हैबिटेट एंड इको सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म का एक इको सिस्टम बन जाता है। अब जैसे देखा जाए तो पेड़ पौधे क्या खाते हैं, देखा तो सूरज की रोशनी होती है, वाटर लेते हैं वो, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो गेन करके अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद उन प्लांट्स को कौन खा लेता है, जैसे जो जानवर हैं, फिर जो मांसाहारी हैं वो उनको खा लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद उनको कौन, जब वो मर जाते हैं तो उनको कौन खा लेते हैं, जो डिकम्पोजर होते हैं। तो एक साइकिल बनती है, हर जगह की अपनी एक साइकिल है, ठीक है ना। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। द बायोलॉजिकल सेंस एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूट द फिजिकल, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एयर एक्सेट्रा एंड द बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि देखो दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। पहला हो गया जो हमारे अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर हो गया, एयर हो गया, एंड बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे बायो मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद देयर केमिकल इंट्रैक्शन, केमिकल साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एक्सेट्रा, दैट इफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट टू कैरी आउट देयर नेचुरल लाइफ प्रोसेस, यानी कि हर एक की देखो अपनी एक नेचुरल लाइफ प्रोसेस है, बर्थ से वो डेथ की तरफ जाता है, ठीक है, एंड मीट देयर फिजिकल रिक्वायरमेंट, और अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स लेता है, जैसे फूड हो गया, एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, शेल्टर एक्सेट्रा। द एनवायरमेंट इज़ नॉट स्टैटिक, यानी एनवायरमेंट कभी भी आपका स्टैटिक नहीं रहेगा। बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर इन कॉन्स्टेंट फ्लैक्स एंड कीप चेंजिंग कॉन्टीन्यूसली। अगर हम लिविंग थिंग्स को भी देखें, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे हमारे वाटर हो गया, एयर हो गई, ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या करती हैं, ये नहीं है कि स्टैटिक रहेंगी, ठीक है, वो फ्लैक्सीबल हैं, कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती हैं। ओके, अब देखो,
को बायोस्फेयर का मीनिंग क्या है? द बायोस्फेयर्स को हम इकोस्फेयर्स भी कह सकते हैं। इट कैन आल्सो बी टर्म्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, कि जो अर्थ पे लाइफ है उसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को हम क्या कह सकते हैं, इकोस्फेयर या बायोस्फेयर्स। एक क्लोज सिस्टम जिसमें हम किस किस को छोड़ रहे हैं, जो सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन है, हीट है अंदर पृथ्वी की, उसको छोड़ करके बाकी का सारा जो भी हमारा एक तरीके से जोन है उसको हम कह सकते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। एंड लार्जली सेल्फ रेगुलेटिंग है ये। बाय द मोस्ट जनरल बायो फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन द बायोस्फीयर इज़ द ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम है ये, इंटीग्रेटिंग ऑल लिविंग बींग्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, इंक्लूडिंग देयर इंट्रैक्शन विद द एलिमेंट्स ऑफ द लिथोस्फेयर, जियोस्फेयर्स, हाइड्रोस्फेयर्स एंड एटमोस्फेयर्स। ओके, अब देखो ये क्या है। लिथोस्फेयर्स होता है हमारा जो अपर पार्ट होती है ना अर्थ की, उसे हम लिथोस्फेयर्स कहते हैं, ठीक है, जो अपर क्रस्ट है अर्थ की। उसके बाद है जियोस्फेयर्स। जियोस्फेयर्स देखो इसकी डेफिनेशन में ना काफ़ी कन्फ्लिक्ट है। कई लोग लिथोस्फेयर और जियोस्फेयर को एक ही कहते हैं, और कई कहते हैं जो हमारा लिथोस्फेयर है प्लस उसके साथ जो एटमोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर्स है और जो इकोस्फेयर्स है यानी कि बायोस्फेयर्स है, उन सबको मिला करके हमारा जियोस्फेयर्स बनता है। यानी कि जो हमारी होल लाइफ है ना अर्थ के ऊपर, लिथोस्फेयर यानी कि आप ये समझो कि सिर्फ उसका जो अंदर का पार्ट रह गया ना, हीट है, उसको छोड़ करके बाकी का जो भी हमारा बायोस्फेयर्स है, ठीक है, और जो उसके साथ साथ में जो पानी है अर्थ के ऊपर, वो सब मिला के करके हमारा जियोस्फेयर्स बनता है, ठीक है। अब आगे हाइड्रोस्फेयर्स। हाइड्रोस्फेयर्स में क्या है, जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है प्लैनेट के ऊपर, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर इंक्लूड्स वाटर दैट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, अंडरग्राउंड वाटर भी, ठीक है, जो एयर के अंदर है वाटर वो भी। ए प्लैनेट हाइड्रोस्फेयर कैन बी लिक्विड, वेपर एंड आइस, जो आइस के रूप में है वो भी। तो सारा ही वो क्या पार्ट कहलाएगा जो पानी के रूप में है पृथ्वी के ऊपर, चाहे वो अंडरग्राउंड कह लो आप, है जो हमारा सीज वगैरह हैं, रिवर्स हैं वो भी, और जो एटमोसफेयर के अंदर है वेपर के रूप में, और जो आइस है, उन सबको मिला करके हमारा हाइड्रोस्फेयर्स बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एटमोसफेयर। द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ इज़ द लेयर ऑफ गैसेस। देखो एक लेयर है गैसेस की। अब वो जो पृथ्वी है ना पूरी, उसके आसपास में लेयर है गैसेस की। अब ये क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है, ग्रेविटी है, और उस ग्रेविटी के कारण एक लेयर ऑफ जो गैसेस है वो पृथ्वी के चारों ओर है, ठीक है। द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ बाई क्रिएटिंग प्रेशर अलाइंग फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सर्फेस। अब जो एटमोसफेयर है यही प्रोटेक्ट कर रही है हमारी लाइफ को, ठीक है। जो अर्थ पे लाइफ है वो इसीलिए है क्योंकि उसके आसपास क्या है, एटमोसफेयर है, और जो वाटर है अर्थ के ऊपर उसको वो एग्जिस्ट इसीलिए कर रहा है, ठीक है। अर्थ सरफेस ऑब्जर्विंग अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन, वार्मिंग द सरफेस थ्रू हीट रिटेंशन एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम बिटवीन डे एंड नाइट, ठीक है ना। यानी कि जो एक्सट्रीम एक तरीके से टेम्परेचर होता है उससे कौन बचा रहा है हमें, हमारा एटमोसफेयर बचा रहा है, ठीक है। अगर हम बाय वॉल्यूम देखें तो जो ड्राई एयर है उसके 98.09% नाइट्रोजन है, 20.95% हमारी ऑक्सीजन है, 0.93 ऑर्गन है, 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द गैसेज हैं बाकी की। एयर आल्सो, एयर जो है उसमें क्या किस क्या कंटेंट्स हैं, हमारे वाटर वेपर भी हैं, यानी वाष्प के रूप में जो हमारा कह सकते एयर है वो भी है। तो वो है 1% सी लेवल पर, 0.4% जो है वो पूरे एंटायर एटमोसफेयर में है। ओके, देखते हैं हमारी अर्थ के ऊपर जो एटमोसफेयर है उसकी कितनी लेयर्स हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी 5 लेयर्स हैं, ठीक है, 5 लेयर्स हैं। सबसे पहले लेयर्स है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये 5 लेयर्स हैं हमारी। इसको लर्न कैसे करेंगे हम, एम से मिडल यानी मेसोस्फेयर, उसके नीचे क्या आ जाएगा, एस और टी, ठीक है। तो एस से स्ट्रेटोस्फेयर एंड टी से ट्रोपोस्फेयर, और ऊपर देखें तो हम अर्थ की स्पेलिंग के हिसाब से याद कर सकते हैं, ई एंड टी एच, ठीक है। एस टी तो लर्न हो ही जाएगा, एम एस टी, ई से एक्सोस्फेयर और टी एच से थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो ये 5 लेयर्स हैं हमारी, और इसकी डिस्टेंस अगर हम देखें कि अर्थ से इनकी डिस्टेंस कितनी है, अगर ट्रोपोस्फेयर रहता है हमारा 6 टू
20 किलोमीटर, ठीक है, 6 to 20 किलोमीटर तक हमारी कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर्स, ठीक है। उसके बाद है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर्स, यानी कि 20 से लेकर के 50 किलोमीटर तक रहेगी हमारी स्ट्रेटोस्फेयर्स। उसके बाद 50 से लेकर के 85 किलोमीटर तक हमारी रहेगी मेसोस्फेयर्स। फिर उसके बाद अगर हम देखें 85 से लेकर के 690 किलोमीटर, काफ़ी लंबी मोटी लेयर है ये थर्मोस्फेयर्स। और उसके बाद जो लेयर है हमारी वो और भी बड़ी है, वो है 690 किलोमीटर से लेकर के हमारी 10,000 किलोमीटर तक की एक्सोस्फेयर्स, ठीक है। तो इतना लर्न कर लो, दैट इज़ सफिशिएंट। बाकी मैंने नोट्स में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उनको रीड आउट कर लेते हैं। देखो जो ट्रोपोस्फेयर्स हैं वो हमारी क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस है, और 4 to 12 miles कह सकते हैं हम, 6 to 7 to 20 किलोमीटर थिक है ये, और कंटेन्स हाफ ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, जो अर्थ का हाफ एटमोसफेयर है वो इसी लेयर के अंदर है। एयर जो है वार्मर है क्योंकि ये नियर टू ग्राउंड है, और जैसे ही मतलब वो हल्की होती है एयर, यानी जब कोल्डर होती है तो हायर अप, ठीक है, ऊपर चली जाती है ये। नियरली ऑल द वाटर वेपर एंड द डस्ट इन द एटमोसफेयर आर इन दिस लेयर, तो ये इसी लेयर के अंदर है, एंड दैट इज़ वाई क्लाउड्स आर फाउंड एयर। तो यहाँ पे क्या मिलते हैं हमें, क्लाउड्स मिलते हैं, क्योंकि एयर जब है वो वाटर वेपर है यहाँ पे और वो ऊपर जाते हैं तो फिर वो क्लाउड बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोल्ड हो जाता है ना, मतलब नीचे के जो वातावरण है वो थोड़ा ही गर्म है, ऊपर जाते हैं जैसे जैसे तो वो कोल्डर होता रहता है, ठीक है ना। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर जो है सेकेंड लेयर में, और ये स्टार्ट होती है हमारी 31 माइल्स से अबव ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ओजोन यहाँ पर है, ठीक है, ओजोन इज अबडेंट हेयर एंड इट हीट्स द एटमोसफेयर वाइल द ऑब्जर्विंग द हार्मुल रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है, ये ऑब्जर्व करती है हमारी हार्मुल रेडिएशन जो आ रही है सन से। द एयर इज़ वेरी ड्राई, यहाँ पे एयर क्या है काफ़ी ड्राई है, एंड इट इज़ अबाउट द 1,000 times थिनर हेयर देन इट इज़ एट द सी लेवल, अगर हम सी लेवल पे देखें तो 1,000 times थिनर है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ वेयर जेट एयरक्राफ्ट एंड वेदर बैलून्स फ्लाई, तो यहाँ पे जेट एयरक्राफ्ट और वेदर बैलून्स है वो फ्लाई करते हैं हमारे, ठीक है। अब देखो आगे हमारे मेसोस्फेयर्स, जो कि हमारी मैंने आपको बता चुकी हूँ 85 किलोमीटर तक ये हाई रहती है हमारी 50 से, ठीक है। द टॉप ऑफ द मेसोस्फेयर्स कॉल्ड द मेसोपॉज, तो जो सबसे टॉप है मेसोस्फेयर्स का उसको मेसोपॉज कहते हैं। इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट है ये अर्थ के एटमोसफेयर का, विद द टेम्परेचर अगर हम देखें तो वहाँ पे होता है -130 degrees Fahrenheit और 90 degrees Celsius, ठीक है। दिस लेयर इज़ हार्ड टू स्टडी, काफ़ी मुश्किल है इस लेयर को पढ़ना, इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। जेट एंड बैलून्स डू नॉट गो हाई इनफ, तो यहाँ पर जो है सैटेलाइट और स्पेस शेल्टर्स जो हैं वो ही जा सकते हैं। साइंटिस्ट डू नो दैट मेट्रोज बर्न्स अप इन दिस एयर्स, ठीक है, तो अगर हम दूसरी चीज़ें लेकर जाएंगे तो बर्न्स अप हो जाएंगी, यहाँ पे वो कारगर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे सैटेलाइट्स स्पेस शेल्टर्स ही जाते हैं, ठीक है। थर्मोस्फेयर्स एक्सटेंड्स अबाउट जो है वो हमारी 90 किलोमीटर टू बिटवीन द, मैंने आपको बता चुकी हूँ ये हमारी रहेगी 690 किलोमीटर तक, ठीक है। द टेम्परेचर कैन गेट अप टू, यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर रहेगा वो -2700 degrees है फ़ारेनहाइट और 1500 Celsius एट दिस एल्टीट्यूड। द थर्मोस्फेयर इज़ कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर बट एयर डेंसिटी इज सो लो दैट मोस्ट ऑफ द लेयर इज वट इज़ नॉर्मली थॉट ऑफ एन आउटर स्पेस, तो इसकी जो मोस्ट ऑफ द लेयर है वो आउटर स्पेस में गिनी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सोस्फेयर्स, ये सबसे हाइस्ट लेयर है, ये सबसे थिन है एंड इज़ वेयर द एटमोसफेयर मर्ज इज़ द आउटर स्पेस, तो आउटर स्पेस में चली गई ये जो लेयर है। इट इज़ कम्पोज ऑफ वेरी वाइडली डिसअपियर्ड पार्टिकल्स एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं किसके, हाइड्रोजन के और हीलियम के, ओके। अब देखो इकोसिस्टम क्या है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ इकोसिस्टम के बारे में। देखो लेमैन भाषा में अगर हम समझें तो हर एक चीज़ जगह का अपना इकोसिस्टम है ना, ठीक है। तो जैसे अब छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम देखें,
अगर फॉरेस्ट में अगर हम देखें तो घास किसको खाता है, बकरी को, बकरी को कौन खाता है, फिर जो कार्निवोरस होते हैं वो खाते हैं, फिर सबसे बड़ा शेर होता है वो उनको खा जाता है, जो भी कार्निवोरस है उनको भी खा जाता है। फिर उसके बाद जब शेर मर जाता है तो उसको डिकम्पोजर खा जाते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो फिर से वो खाद बन जाती है और फिर वो प्लांट्स उसी के ऊपर उगते हैं और उन्हीं के ऊपर फिर वही बकरी घास खाती है। तो ये एक सर्कल है, एक चेन है, ठीक है। इसी को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। एन इकोसिस्टम कैन बी विजुलाइज एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं, फिर उसके बाद हमारे कंज्यूमर्स आते हैं, फिर डिकम्पोजर इंट्रैक्ट अमंग देम सेल्व्स एंड ऑल्सो विद इन द सराउंडिंग ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट। इको सिस्टम वर इज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम ए स्मॉल पाउंड टू अ लार्जेस्ट फॉरेस्ट और ए सी। तो एक इकोसिस्टम जो है वो एक छोटे से जंगल का भी अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है, और लार्ज बहुत बड़े तालाब का भी हो सकता है और सी का भी अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है ना। एक भी चीज़ उसके ऊपर से हटा दें तो वो बीच में से, अगर हम हटा दें तो पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा। मान लो घास है और बीच में से हमने बकरी को हटा दिया तो यहाँ पे घास ही घास हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और फिर वो शेर हैं जो कार्निवोरस है वो क्या खाएंगे, ठीक है। तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो बर्बाद हो जाता है। जैसे कि अगर हम शेर मारते हैं, ठीक है, अब शेर हैं उनकी संख्या कम हो गई तो फिर क्या होगा, उससे क्या होगा, जो हर्बीवोरस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, तो वो प्लांट्स बहुत खाते हैं तो प्लांट्स कम हो जाएंगे फिर। तो एक सिस्टम है नेचुरल, तो वो सिस्टम बना रहना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि पेड़ मत काटिए या फिर जंगली जानवरों को मत मारिए, ठीक है ना। तो हर एक जगह का, जैसे अब सी है, सी का अपना एक इकोसिस्टम है, ठीक है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड द डेजर्ट्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, पॉन्ड, लेक, वाटरलैंड, रिवर, ई स्टडी एंड सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो जो हम कह सकते हैं कि जो एक्वेरियम है वो क्या है, जो वो मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है ना। तो और क्रॉप फील्ड्स हैं जो, वो भी एक मैन मेड इकोसिस्टम है। इन द इकोसिस्टम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर लिंक टुगेदर थ्रू न्यूट्रिएंट्स साइकिल्स एंड एनर्जी फॉलोज। तो देखो, देखा जाए तो सबसे पहले एनर्जी कहाँ आती है हमारे पास, प्रोड्यूसर्स के पास, यानी प्लांट्स के पास। एन इकोसिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज बट यूजुअली इनकम्पासेस स्पेसिफिक एंड लिमिटेड स्पीसीज, ठीक है। तो देखा जाए तो सबसे पहले जो एनर्जी है वो किसके पास आती है, एनर्जी आती है हमारे प्लांट्स के पास। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं प्लांट्स, जो सूरज की रोशनी होती है उससे, और वाटर होता है, ठीक है, सॉयल है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैन है या जो हर्बीवोरस है उन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, उनको कौन खाता है, फिर कार्निवोरस खाते हैं। तो इस तरीके से एक सिस्टम चलता है। तो इसकी एनर्जी किस में गई, हर्बीवोरस में, इसकी एनर्जी किस में गई, कार्निवोरस में। तो ये चलता है, ठीक है। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं कौन कौन से हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे देखो कौन से हो गए, यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में हमारे फिजिकल फैक्टर हो गए, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, या फिर वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। ऑर्गेनिक में हो गए जैसे हमारे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं। तो ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। और बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे कौन से हो गए, जैसे प्रोड्यूसर हो गए, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं। कंज्यूमर्स कौन से हो गए, जैसे हम मैं या एनिमल्स हैं, ठीक है। डिकम्पोजर कौन से हो गए, जब वो एनिमल्स मरते हैं तो वो क्या होते हैं फिर, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो खा जाते हैं ना उनको, और वो कीड़े मकोड़े भी क्या हैं, उसी सॉइल में मर जाते हैं, फिर वो फर्टिलाइज़र बन जाते हैं, फिर से वो, फिर वो उनको ग्रीन प्लांट्स वहाँ पे उगते हैं, ठीक है ना। तो ये एक सिस्टम चलता है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। प्राइमरी प्रोड्यूसर मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से हो गए हमारे, प्लांट्स हो गए,
जो कि खाना किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर आ गए, जैसे कि एनिमल्स हो गए, उन प्लांट्स को खाते हैं, तो इस सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसमें से फिर हमारे आ गए मैक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स में हमारे कौन से हो गए, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन से, जो सिर्फ अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे काऊ है, ठीक है, जैसे हम शाकाहारी हैं तो हम भी हर्बीवोरस ही हैं। कार्निवोरस कौन से होते हैं, जो अपने खाने के लिए मांसाहारी होते हैं, सिर्फ मीट पे, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, जैसे लॉयन हो गया या फिर वॉल्स हो गए, स्नेक्स हो गए। ओमनीवोरस कौन से होते हैं, जो दोनों ही खा लेते हैं, प्लांट्स भी खा लेते हैं, एनिमल्स भी खा लेते हैं, ठीक है। माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं, उसके बाद दे आर द बैक्टीरिया एंड फंगी विच ऑब्टेन्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये वो जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, ये क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उनको खाते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन सच एज इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विच आर रिलीज इन द इकोसिस्टम आर रीयूज बाय प्रोड्यूसर एंड दस रिसाइकल्ड, ठीक है। अर्थ वॉर्म एंड सर्टेन सोयल ऑर्गेनिज्म, अब वही बात है ना कि ये सब जो डिकम्पोजर्स हैं, देखो उन चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया, डेड जो भी उन्हें एलिमेंट्स मिले उनको ख़त्म हो गया, और वो खुद भी क्या होते हैं, उसी सॉयल में ख़त्म हो जाते हैं और फिर फर्टिलाइज़र बन जाते हैं, वो एक तरीके की खाद बन जाती है प्लांट्स के लिए, ठीक है, और फिर वहाँ पे फिर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम चलता है। देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम को कौन सी टर्म जो है बेस्ट डिस्क्रिप्शन दे रही है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्टिंग विद ईच अदर। ऑप्शन नंबर बी है द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ हैबिटेंट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आ रही है सिर्फ, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि उसमें क्या होते हैं बायोटिक एबायोटिक दोनों, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग बोथ। सी है ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, एंड डी है फ्लोरा एंड फ्यूना, यानी कि जीव और जंतु ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया। तो जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन दे उसी को हमने टिक करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड। अगर देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो पहाड़ी इलाके पे हमारे होते हैं और जहाँ पे बारिश बहुत आती है, ठीक है, अगर उन्हें रिमूव कर दिया जाए तो इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल डिडिशियस फॉरेस्ट, जो दूसरे हमारे फॉरेस्ट के ऊपर फॉरेस्ट हैं, यानी कि जो पहाड़ों के ऊपर फॉरेस्ट हैं उनके कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है, द सॉयल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज़ डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, प्रोपेगल ऑफ द ट्रीज इन ए रेन फॉरेस्ट हैव पुअर वायबिलिटी। इसका मतलब है कि जो एक पौधे को रीजनरेट करने का प्रोसेस होता है वो जो है वो पुअर होता है वहाँ पे। द रेन फॉरेस्ट स्पीशीज़ आर स्लो ग्रोइंग, जो रेन फॉरेस्ट की स्पीशीज़ हैं वही स्लो ग्रोइंग है। ये एग्जॉटिक स्पीशीज़ इन्वेड द फर्टाइल सॉयल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, कि वहाँ पे जो है जो फर्टाइल नहीं कर रही उनकी जो स्पीशीज़ हैं सॉयल को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वहाँ की सॉयल जो है वो डेफिशिएंट है न्यूट्रिएंट्स से। वो क्यों है, क्योंकि देखो एक तो पहाड़ों पे है, दूसरा वहाँ बारिश होती रहती है, तो जो अपर लेयर होती है सॉयल की जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बह जाती है पानी के साथ, जिसकी वजह से वहाँ की जो सॉयल है वो वहाँ पे डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की। अगर हम वहाँ के फॉरेस्ट को काट देंगे तो वो इतनी जल्दी रीजनरेट नहीं होंगे, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगी आज की वीडियो, एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडी। ओके, बाय बाय।